मंदिर से भगवान शिवलिंग की मूर्ति हुई चोरी, तालाब में फेंकने का अंदेशा, धरने पर बैठे भक्त। मऊगंज जिले के हनुमाना कस्बे के कनवा तालाब के पास स्थापित भगवान भोलेनाथ की मूर्ति बीती रात अज्ञात लोगों द्वारा गायब कर दी गई। जैसे ही मूर्ति गायब होने की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो वे मौके पर एकत्रित हो गए और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर ही बैठ गए। इस पूरे मामले को हनुमाना पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मूर्ति सहित अज्ञात लोगों की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक मूर्ति गायब करने वाले लोगों का नहीं पकड़ा जाता और मूर्ति का पता नहीं लगाया जाता तब तक हम लोग धरने पर ही बैठे रहेंगे। वहीं घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम और पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया। थाना प्रभारी के राजेश पटेल के द्वारा बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना दे दी गई है। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि मूर्ति तालाब में फेंकी गई है। एसडीआरएफ की टीम रीवा से बुलाई गई है जिसके बाद तालाब में मूर्ति की तलाश की जाएगी। आपको बता दें कि सनातन विरोधी घटनाएँ लगातार मऊगंज क्षेत्र में बढ़ती जा रही है जिसके बाद लोगों में लगातार आक्रोश व्याप्त है। अब देखना ये होगा कि मूर्ति का पता पुलिस कब तक लगा पाती है। क्या नाम भाई साहब आपका? तारकेश्वर कुमार गुप्ता। यहाँ किस लिए बैठे हैं? धरने पर बैठे हैं कि भोले बाबा की हमारी मूर्ति जिन लोगों ने चोरी की है उनको जब तक पता नहीं चलेगा हम लोग ये धरने पर बैठे रहेंगे। शासन प्रशासन मौन धारण बैठा है। अभी तक आए पता चला है टीआई ने आए थे और अपना वो देखा ताका बोले कि हम वो बुलवा रहे हैं। अभी तक इसकी जानकारियां हम लोग को नहीं अवगत कराया गया, इसलिए हमने भोले बाबा के दरबार में बैठे हैं धरने पर। ये चोरी का मामला क्या है? क्या पुलिस अधिकारी आए हुए हैं कर रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज हो गई है और मूर्ति का रिप्लेसमेंट के लिए व्यवस्था की जा रही है। संभावना है कि तालाब में डाल दिया गया हो तो कुछ बदमाश लोग जो है रात में सुनापन का फायदा उठा के शिवलिंग को तालाब में डाला है। जैसे लोग गोताखोर लगे हुए हैं, घूम रहे हैं, मीडिया की तो स्थापित करके शिफ्ट करा दिया जाए ताकि दोबारा ऐसी घटना ना हो। देर में शिवलिंग की चोरी हो गई मामला आ गया, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अभी सूचना सुबह मिली है, मंदिर से भगवान की मूर्ति जो है गायब है। लोग मौके पर आए हैं और संभावना ये है कि शायद वहीं लगा सा तालाब है तो पानी में डाल दिया गया है। तो एनडीआरएफ की टीम